अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी शायर ने कहा था कि हाकिम भी मेरे खिलाफ तो पुलिस भी मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। आपने देखा, अगर इंसान होता तो ना करता। हकीकत यह है कि अगर इंसान होता तो ना करता। आप मुझे बताइए कि इसमें गलती क्या है। अगर रोड पर नमाज, क्या देखिए नमाजी पढ़ रहे हैं, ये अलग चीज है। रोड पर लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां दिख क्या रहा है, यहां यह है कि मुसलमान क्यों कर रहा है। पहली बात तो यह है कि अगर मुसलमान ने गलती की है रोड पर, मैं मान लेता हूं कि अगर रोड पर गलती क्या देखी की है, तो फर्ज क्या बनता था, मजहबी मामला चल रहा है, मजहबी प्रेयर चल रहा है, मजहब का क्या देखिए मामला है, तो क्या होना चाहिए था, पहले नमाज हो जाती, उसके बाद क्या देखिए वहां फौरन। और ये नमाज के देखिए जो नमाज हो रही है जुमे की, ये 10 रकातें तो पढ़ी नहीं जाती एक साथ में, बल्कि 2 रकत नमाज होती है। क्या करना था, पहले क्या देखिए उसको जो है नमाज हो जाने नहीं देते। नमाज होने के बाद में उसे सबसे कहते हैं रोड खाली कर दो, रोड खाली कर दो। आपको नमाज अगर पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़ो, दूसरी मस्जिद चले जाओ या और कहीं चले जाओ, लेकिन रोड के देखिए खाली कर दो। लेकिन ये क्या चीज है, मजहबी के देखिए मामला चल रहे हैं और यहां के देखिए लातों से मारा जा रहा है, क्या ये इंसानियत है। अगर चीज देखिए ये बहुत सादा क्या देखिए मामला जो है, सारा मामला जो है देखिए ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कहने पर है, किसी न किसी के कहने पर है। इसलिए कि गालिब साहब ने बहुत समय पहले कहा था, गालिब साहब कहते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है इसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो आपके पीछे के देखिए आपको लात मारने तक के देखिए खड़ा कर दिया उसने। बाद में देखिए हुआ ये कि फिर जो होना था बवाल हुआ दिल्ली के अंदर, वहां के देखिए जिस इलाके में हुआ था उस इलाके के देखिए थाने को घेराव कर दिया गया, तो वहां तत्काल रूप से यानी बहुत जल्द क्या है उस पुलिस वाले को जो है निरस्त कर दिया गया, उसको कह देखिए सस्पेंड कर दिया गया। बहरहाल के देखिए वो सारे मामलात हुए, लेकिन दिल को तकलीफ पहुंची। और मैं समझता हूं कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपके दिल को तकलीफ हुई होगी, वाकई तकलीफ हुई होगी कि आप ऐसा ना करते, आप ऐसा ना करते। आपको क्या देखिए ये सब कुछ नहीं करना था। ये पुलिस की वर्दी, ये तमाम के देखिए रो दबदबा, ये सब चीज देखिए है, लेकिन मजहब के मामले में इस तरीके का क्या देखिए मामला पेश करना, ये अच्छा नहीं है। आपने बुरा किया है तो ये क्या देखिए अच्छा नहीं है, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जो है कोई मामला था, हम कह रहे हैं ना देखिए हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिसमें बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शारए आम पर नमाज ना पढ़ो। सरकार की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं कि जहां आम रास्ता हो, सड़क हो, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाए। मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अपनी मस्जिदों की कुशा करें, अपनी मस्जिदों को क्या देखिए बड़ा करें, उन्हें तला ऊपर ऊपर नीचे बने, जगह की जगह किल्लत है, लेकिन रास्तों पर निकल करके नमाज ना पढ़ें। ये खिलाफे उसूल भी है, खिलाफे शरा भी है, खिलाफे शरा भी है। लिहाजा जिन लोगों ने क्या देखिए ऐसा कुछ किया है उनको चाहिए, जिस मस्जिद का मामला है दिल्ली के अंदर उनको चाहिए कि वो मस्जिद की तोसी करें, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए देखिए आमादा लोगों को ना करें कि इससे नुकसान भी है। और अब क्या देखिए वैसे भी बवाल चल रहा है, तो फिर जरूरत जिस चीज़ की है कि मुसलमानों को जाकर के जिंदगी गुजारना चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले ने जो कुछ किया हम उसके देखिए कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं, और आइंदा के देखिए ऐसा ना हो इसकी उम्मीद के देखिए हम ये करते हैं कि हुकूमत जरूर के देखिए इसमें कोई अच्छा फैसला लेकर के मुसलमानों को अच्छा मैसेज देगी। गुजारिश हमारी इस क्लिप को दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।